जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंड मदर के घर आ जाता है, जो कि एक समुंदर के किनारे होता है। अब उसकी मॉम उसके लिए खाना बनाने लगती है और पूरी फैमिली एक साथ खाना बैठ के खा रही होती है। तभी उसके डैड बात करते हैं, बेटा आजकल तुम पढ़ाई में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती, बेटा तुम भी तो एक टाइम पे ऐसे ही थे, वो तो अच्छा है कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिल गई, नहीं तो तुम्हें कहाँ इतनी सुंदर वाइफ मिल सकती थी। तो ऐसी हंसी मजाक उस फैमिली के बीच में चलती रहती है। अब हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे आते हैं, जिसका नाम हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका नाम है नागासुमी। तो हम उसे नागाफूमी बोलेंगे, ये ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। अब नागाफूमी के डैड बोलते हैं, चलो बेटा हम लोग समुद्र में चलते हैं। जैसे ही उस नागाफूमी समुद्र में जाता है तो वो डूब जाता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। अब नागासुमी जैसे ही होश में आता है तो उसके सामने उसके डैड खड़े होते हैं। तो उसके डैड बोलते, बेटा क्या हो गया, तुम डूब कैसे गए? तो वो बताता है कि डैड मुझे तो एक मम्मीड ने बचाया। मम्मीड का नाम सुनते ही उसके डैड तो उस पर हंसने लग जाते हैं, और जैसे ही वो ये बात अपने मम और अपने ग्रैंड मदर को बताता है तो वो दोनों भी उस पर हंसने। तो इसी बात पे उसकी मदर, अगर तुम्हें सच में एक मम्मीड ने बचाया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। पर नागाफूमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है सनसेडो नाम से, जो कि और कोई नहीं वही मम्मीड होती है। अब नागाफूमी उसे पहचान लेता है, बोलता है कि तुम उस मम्मीड जैसी क्यों लग रही है। तभी वो बोलती है कि अब तुमने मुझे मर्मेड के रूप में देख लिया है, तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और ये बातें सुन के तो उसकी पूरी फैमिली शॉक में पड़ जाती है, और उसके डर बोलते हैं, बेटा तुमने कहाँ काला मुंह करवा दिया और तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि उस मर्मेड के जो बॉडीगार्ड्स थे, सिक्योरिटी वाले, वो वहाँ पे आ जाते हैं और पूरी फैमिली को अपने साथ उठा के समुंदर में लेके चलते हैं। ऐसा करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, इसलिए वो उन्हें पहाड़ी से गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पानी में गिरते गिरते बोलते, बेटा ये तुमने क्या कर दिया। और नागाफूमी को तो वो सनशैडो नाम की लड़की बचा लेती है भाई, जिससे उसकी शादी होने वाली है। जैसे ही नागाफूमी की आंखें खुलती है तो एक बार फिर से वो बेहोश होने का नाटक करता है, और उसके बॉडीगार्ड उसे CPU यानी कि ऑक्सीजन दे के उसे बचा लेते हैं। अब उसके डैड बोलते, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, या दूसरा रास्ता मेरी बेटी को मरना होगा। अब दोनों ही रास्तों में थोड़ी बहुत मुश्किलात थी, तो नागाफूमी को समझ नहीं पा रहा था। और नागाफूमी बोल देता है कि अभी तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ। पर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ह्यूमन से उसके बेटे की शादी हो, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे। इसलिए नागाफूमी को शादी करनी ही होगी, और नागाफूमी ऐसा नहीं करना चाहता। जैसे ही उसके डैड दरवाज़ा खोलते तो अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग तैरने लग जाते हैं। और सन यहाँ पे नागाफूमी को अपने साथ बाहर लेके आ जाती है गुफा में। अब नागाफूमी अपनी गोद में सन को उठा के वहाँ से एक किनारे पर लेके आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो सन बोलती, नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मेरे डैड तो मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। तभी सन के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और वो नागाफूमी को बोलते, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहते हो। वो उसको एक पत्थर से बांध के रिवर में फेंक देते हैं, यानी कि नदी में फेंक देते हैं। हम अगले दिन सुबह के सीन देखते हैं, जहाँ पे नागाफूमी की पूरी फैमिली सन की मदर के सामने बैठी होती है, जो कि उन्हें चाय ऑफर कर रही होती है, और बोलती है, तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब उसकी शादी तुमसे होने वाली है। तभी हम किसी की चीखें सुनते हैं, जो कि और किसी की नहीं सन के फादर की होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको बांध के रखा था। अब हम लोग नागाफूमी को देखते हैं, जो कि अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठा होता है, और वो बताती है कि आज रात को कोई फेस्टिवल होने वाला है, तो तुम्हें उसमें जाना चाहिए सन को लेके, शायद तुम इससे एक दूसरे को ज़्यादा जान पाओ। और वो उसे कुछ पैसे भी देती है। अब हम लोग देखते हैं कि नागाफूमी और सन दोनों उस कार्निवल यानी कि मेले वाले फंक्शन में आ जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें कॉटन कैंडी दिखती है, जो कि सन और नागाफूमी दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पर नागाफूमी को बहुत बड़ी कैंडी मिलती है, और नागाफूमी को नहीं, सन को बहुत बड़ी कैंडी मिलती है, और नागाफूमी को बस एक बहुत छोटी सी। अब अगले स्टॉल पे जाते ही उन्हें एप्पल कैंडी मिलती है, तो यहाँ पे भी सन की किस्मत बहुत अच्छी रहती है, और नागाफूमी को एक खाया हुआ एप्पल मिलता है। तो सन समझ जाता है कि ये सारे लोग सन के डैड के भेजे हुए हैं। अब एक बार फिर से जैसे ही वो हॉट डॉग खरीदते हैं, तो सन को हॉट डॉग तो बहुत बड़ा मिलता है, पर नागाफूमी को एक गन हॉट डॉग मिल जाता है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं इस कार्निवल में आधे से ज़्यादा सारे के सारे लोग सन के फादर के लोग हैं, यानी कि यकूचा ऐसा कुछ आप बोल सकते हो उन्हें। अब उसे फाइनली एक मछली खाने को मिलती है, जो कि उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जैसे नागाफूमी वो मछली को तोड़ के देखता है, तो उसके अंदर एक फ़ोन होता है, और ये फ़ोन और किसी ने नहीं सन के डैड के होता है। वो बोलते, तुम मेरी बेटी की ओर ऐसे क्यों घूर रहे हो। और जैसे ही सन
मछलियों को पकड़ के बाहर निकालती है। अब नागफूम में भी मछलियों को बाहर निकालने जाता है, पर उसके ऊपर तो एक शार्क ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अब सारा का सारा पानी सन के ऊपर गिर जाता है। अब नागफूमी उसको बचाने के लिए अपनी गोद में उठा के उसे कहीं एक मूर्ति के पीछे ले जाता है और वहाँ पे कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती है। तो लोग सन के डैड को लगता है कि वहाँ पे कितने बदतमीज लड़के लड़की है। जैसे ही वो करीब जाके देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, और वो सन को बहुत ज़्यादा गुस्से में करते हैं और नागफूमी को तो एकदम मार देने की धमकी देते हैं। पर बार बार सन उसके आगे आ जाती, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कह के वो उस दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों ही जाके शांति से उस मेले में घूमने लग जाते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मम्मी से शादी करना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरी खुद की ऐसी वाइफ हो तो मैं तो भाई रूम से बाहर ही ना निकलूँ। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डांस फेस्टिवल चल रहा था, तो सन नागफूमी को किसी और के साथ डांस करते हुए देख के वहाँ से भाग जाती है। अब सन उसे समझाने की ट्राई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो मुझे बस डांस सिखा रहा था। पर सन जानती है कि हाँ वो ऐसा, जैसे इस फिर सन अपने हाथों को दिखती तो वहाँ पे उसकी अंगूठी नहीं थी जिसको वो ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढती है। पर नागफूमी बोलता है वो रिंग तो बहुत ही ज़्यादा चीप थी, यानी कि सस्ती थी, तो मैं उससे भी महंगी तुम्हें कुछ अंगूठी और दिलवा दूंगा। पर सन बोलती है कि वो अंगूठी तुमने मुझे दी थी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो ये सारी बातें उसके पापा भी पीछे से सुन रहे होते हैं, और तभी उसकी मॉम आके उसको बोल देती है क्या तुम इस अंगूठी को ढूंढ रहे हो, जो कि तुम्हारे डैड ने आए तुम्हारे डैड को मिली थी अभी भी। और वो नागफूमी पे इतने ज़्यादा भड़क जाते और तुमने उस मेरी बेटी को एक मैरिज रिंग भी दे दी, और वही अंगूठी उसके एक यकूजा लोग पे गिर जाती है, जिसकी वजह से अब नागफूमी लगता है मैं तो सड़क सुधार गया, मुझे यहाँ पे जीने की जरूरत नहीं। पर नाग सन उसके चेस्ट पे इतना मारती है जिसकी वजह से वो अगले दिन पूरी पट्टियों में लपटा हुआ होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं एक मूर्ति बन चुका है। और यहीं पे उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते और किसी को बुलाते हैं जिससे कि वो नागफूमी को मारवा सके। अब हम लोग देखते हैं कि यहीं पे ये सारे लोग एक अगले दिन ये लोग अपने अपने घर जाने वाले होते हैं, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज सन को और नागफूमी को एक सुनसान आइलैंड पे भेजना चाहिए जिससे कि वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। तो हम लोग समझ सकते हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे फाइनली अपनी फैमिली से दूर जाने का मौका मिल रहा। थोड़ा जैसे वो उस टाको पे आते तो उनका बॉडीगार्ड बोलता है मैं शाम को वापस आऊँगा, तब तक तुम कुछ गलत मत करना। अब नागफूमी तो ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो हाथ पे देखते हैं तो उसके हाथ पे एक छोटी सी लड़की होती जो कि बोलती है अगर तुमने सन के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ मार नहीं आई हूँ। नागफूमी तो ऐसी बातें सुन के अब मर ही जाता है। जैसे ही वो सन को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखता है तो वो तो लाल ही हो जाता है, पर वहाँ पे एक सांप आ जाता है। जैसे ही नागफूमी उस सांप को मारने जाता है तो वो जो इस मारने आई थी किलर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक कर देती है। अब नागफूमी सन के ऊपर सनस्क्रीन लगाने वाला था और ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस लेडी किलर को हाथ में उठा के कहीं दूर फेंक देता है और सनस्क्रीन हाथ में लेके मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, हाँ मेरे हाथ कांप रहे, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो ये सारे सीन फील करना कितना मुश्किल होता है। और तभी वो लेडी किलर ही सनस्क्रीन लगा लेती है और वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। अब नागफूमी को तो तैरना आता नहीं है इसलिए वो डूब ही जाता है, पर सन उसे किसी तरीके से बचा लेती है और यहीं पे वो किलर उसे मारने की बातें कर रही होती है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर कंटिन्यू गोलीबारी अब स्टार्ट करने वाली थी। अब सन तो भाई आप जानते हो उसके पापा कितने खतरनाक है, पर यार सच में ये लड़की क्यूट तो है। वैसे तो जानती हूँ मैं हर एनिमे कैरेक्टर की गर्ल को क्यूट बोलते हूँ, पर बाद में वो पता नहीं कितनी डेंजरस निकल जाती है। ऐसे ही करते करते उन दोनों को शाम हो जाती है और फाइनली वो लोग अपने अपने घर पे वापस लौट आते हैं। सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है जिसकी वजह से बार बार बोलते समय परेशानी हो रही थी। अब नागफूमी बोलता है कि मैं तो यहाँ से कल अपने घर के लिए निकल रहा हूँ, यानी कि सिटी की ओर। और यहीं पे हम लोग उस लेडी किलर को देखती है जो कि सन के डैड को बता देती है कि वो नहीं मार पाई उसे। अब उसकी पूरी फैमिली ट्रेन में बैठ के अपने अपने शहर निकल जाती है। अब नागफूमी खुश होता है कि फाइनली उसे उन लोगों से छुटकारा मिला। पर जैसे ही वो विंडो की तरफ देखते हैं तो नागफूमी यानी कि सन के डैड वहाँ पे चिपके होते और नागफूमी विंडो बंद कर देता है। और जैसे ही वो बैग खोलता है तो उस बैग के अंदर वो लेडी किलर होती है जो कि उसके सारा खाना खा चुकी थी। अब वो फाइनली उस घर के अंदर पहुंच चुके थे और वो घर उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और वो नागफूमी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे छुप के रहना चाहिए, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर उसके मॉम डैड बोलते
ये कितनी क्यूट है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। और सब लोग नागाफूमी को ही सुनाने लग जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नागाफूमी के रूम में बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स ये सब पड़े होते हैं। नागाफूमी बोलता है, आखिर मैं कहाँ रहूँगा? तो उसके डर बोलते हैं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है स्टोर रूम। नागाफूमी बोलता है, मैं क्यों रहूँगा स्टोर रूम में, मेरे रूम तो यहाँ पे। तभी उसकी वो लड़की बोलती है, तुम्हें स्टोर रूम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बदले मैं रह जाऊँगा। पर फाइनली अब नागाफूमी को इतना इमोशनल होने मतलब होते हुए देख कर नागाफूमी बोल देता, ठीक है मैं ही चला जाऊँगा। अब शाम के टाइम नागाफूमी बाथटब में नहाते नहाते रो रहा होता है, तभी वहाँ पे सन आ जाती है और सन के साथ वो लेडी किलर भी आ जाती है, जिसको देख के वो लोग एक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से नागाफूमी तो दीवार तोड़ के बाहर गिर जाता है। और उसके मॉम डैंड ये सब हरकतें देख के बहुत ज़्यादा गुस्से होने लगते हैं। तभी हम लोग सन को देखते हैं जो कि अपने घुटनों के बल बैठ के उनके सामने कुछ पैसे आगे करती है और बोलती है, ये मेरे डैड ने भेजे थे तुम्हारी मदद के लिए। तो ये सारे पैसे लेके उन दोनों का तो रवैया बदल जाता है और वो सारा का सारा आरोप नागाफूमी पर लगाते थे कि इसमें तुम्हारी गलती होगी। और नागाफूमी अब बेचारा कर भी क्या सकता है, उसको ये सब सहन करना ही पड़ेगा। और भाई सच में पैसों के आगे आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अब नागाफूमी उसे सब कुछ बता देता है और बोलता है कि आज हम दोनों को शॉपिंग पे चलना चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के नागाफूमी भी शॉपिंग पे चली आती है और सन बहुत सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें, क्योंकि अंडर वाटर उसे इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। और नागाफूमी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसके साथ कोई लेडी किलर नहीं है। पर वो जैसे ही सामने देखते हैं दो लड़कियों को दो बदमाश छेड़ रहे होते हैं, तो नागाफूमी सन को उससे दूर रहने को बोलता है, पर सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस दिन नागाफूमी की हम लोग वहीं पे देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है जो कि उसी के स्कूल की थी और वो बोलती है, तुम्हें इन दोनों लड़कियों को छेड़ने की क्या ज़रूरत है, उन्हें जाने दो। और इस मौके का फ़ायदा उठा के वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से भाग भी जाती है। और वो लड़के बोलते हैं, तुम हमसे लड़ोगी, तुम हमसे लड़ोगी? तो वो लड़की बोल देती, नहीं मैं नहीं, वो तुमसे लड़ेगा नागाफूमी। और ये नागाफूमी के पास अब और कोई चारा नहीं होता और वो दोनों बंदे उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, इसलिए नागाफूमी बोलता है, चलो पानी में। उन दोनों को लेके पानी में गिर जाता है। अब नागाफूमी को लगता है कि वो बच जाता है, पर वो बचता नहीं है और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। तभी ऊपर से वही लड़की उन दोनों के ऊपर गिर जाती है, पर उसको तो तैरना आता ही नहीं है। अब वो डूबने लगती है, इसलिए वो नागाफूमी से चिपक जाती है। तभी हम लोग सन को देखते हैं जो कि पानी में जाके उन दोनों बंदों को बेहोश कर देती है और नागाफूमी उसे बचा लेता है। और वो बोलता है, बचपन से तुम मेरे साथ यही करती आ रही हो, पंगे तुम लेती हो, बचाना मुझे पड़ता है, ये तुम क्या करती रहती हो? तो नागाफूमी बोलता है, चलो ठीक है इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तभी वहाँ पे सन आ जाती है जो कि अपने आप को सुखा के एक ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। और हाँ, तभी हम लोग उस लेडी किलर को देखते हैं जो कि नागाफूमी पे बहुत तेज़ी से अटैक कर रही होती है, नागाफूमी को और मारने वाली होती है। तभी नागाफूमी की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से नागाफूमी उसे बताता है कि ये तो एक टॉय है, खिलौना है। और ये ऐसी हरकतें देख के नागाफूमी वहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। अब सन और उसकी फ्रेंड के बीच में यानी कि इस लड़के के बीच में दोस्ती हो जाती है, जो कि उन्हें बताते हैं कि मेरे को तो बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना है क्योंकि मेरे डैड भी है। और ये सारी बातें सुन के तो सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड एक गुंडे है। ये सारी बातें सुन के तो उनके बीच में दोस्ती होने का चांसेस थोड़े कम थे, पर फाइनली उनके बीच में दोस्ती हो ही जाती है। अब एक बार फिर से नागाफूमी बाथटब में पहुँचता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक बार फिर अटैक होता है। और फाइनली अब उनके स्कूल जाने का टाइम भी आ जाता है और वो लेडी किला उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, पर नागाफूमी कैसे भी उसके अटैक से बच जाता है। अब सब लोग स्कूल में जाने के लिए तैयार थे और यहाँ पे सन ने अभी नागाफूमी की स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। अब हम लोग समझ सकते हैं सामने जो लड़का देख रहे हो वो नागाफूमी का बचपन का दोस्त है जो कि एक कैट की तरह क्यों दिख रहा है, तो हम इसे कैट बॉय बोलेंगे। अब कैट बॉय जैसे ही सन को देखता है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है, पर सन सॉरी नागाफूमी उसे दूर भगा देता है कि दूर आ करो, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, ऐसा कह के वो सभी से इंट्रोड्यूस करवा देता है। तभी वो कैट बॉय बोलता है, आज मैंने सुना है कोई नई टीचर आने वाले हैं। तो वो बोलता है, नहीं नहीं नए टीचर नहीं आएंगे। जैसे ही वो बाहर जाता है गेट से चिपकने लगता है तो उसे पता चलता है ये लड़की नहीं, ये तो कोई इंसान है यानी कि टीचर है, लड़का है। जैसे ही वो देखते हैं तो नागाफूमी समझ जाता है ये और कोई नहीं सन के डैड है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, आज से ही मैं तुम्हें पढ़ाने वाले हैं बच्चों। और वो सन को इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं सबके सामने। अब हम लोग समझ सकते हैं कि नागाफूमी कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। जैसे ही नागाफूमी भी अपना इंट्रोडक्शन देने जाता है और वो बोलता है कि सन तो मेरे साथ ही बैठने वाली है,
तो वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, इसलिए नागाफुमी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि उसे अपने दोस्त को मेडिकल रूम ले जाना चाहिए। जैसे ही वो उसे मेडिकल रूम लेके आता है तो यहाँ पे और कोई नहीं, सन की मदर होती, जो कि बोलती, नागाफुमी तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर सन तुम्हारे लिए कम पड़ रही है तो मैं हूँ ना, ऐसी बातें करके नागाफुमी वहाँ से भाग जाता है। भाई अब मदर भी लाइन मारने लग गई उस पर, तो नागाफुमी यहाँ से भागते भागते देखता है कि पीटी टीचर, वो तो और कोई नहीं उसके बॉडीगार्ड्स होते। तभी उसके ऊपर वो शार्क भी अटैक कर जाती है, जो कि और कोई नहीं उनका ही स्कूल में एक टीचर बन के आया होता है। भाई अब नागाफुमी की लाइफ तो ऑलरेडी झंड हो रखी है, क्योंकि उसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं। और जैसे वहाँ पे सन आ जाती, नागाफुमी को लगता है कि सन उसकी तरफदारी करेगी, पर नहीं, वो तो बोलती, आप लोग मेरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से तो मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वही उसका एक मतलब टीचर आ जाता है, जो कि उसका बॉडीगार्ड रह चुका है। तो वो बताता है कि तुम्हें सबको ये प्रूव करना होगा कि सन की सबसे ज़्यादा परवाह तुम करते हो, जिसकी वजह से ही सन तुम्हारे साथ रह सकती है। तो ये सारी बातें सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं सबको साबित कर दूंगा कि एक मैं मर दूँ। वो सबसे पहले अपने दोस्त के सामने ये सी हरकतें करने की ट्राई करता है, पर जैसे ही वो उसके बैग पे एक टॉय खिलौना लगा देखता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी इज्जत एक ही बार में उतर जाती है। और अगले दिन उनका टेस्ट चलने लगता है, जिसमें नागाफुमी तो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। मतलब आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, आपके तो 0 नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर नागाफुमी और वो कैट बॉय दोनों ही गर्ल वो मतलब चेंजिंग रूम में झांकने लग जाते हैं, और वहीं से वही पीटी टीचर या वो शाक वाला बंदा उसे देख लेता है। जिसके बाद अब नागाफुमी के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो शाक से मार खा ले, या दूसरा रास्ता वो चेंजिंग रूम से होता हुआ बाहर भाग जाए। तो वो दूसरा रास्ता अपना के चेंजिंग रूम से भागने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच जाती है। शाम को सन उसके पास आके बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्यों किया, पर शायद तुम्हारे पास इसका कोई रीज़न रहा होगा। तो नागाफुमी समझ जाता है कि सन उसके ऊपर कितना ज़्यादा बिलीव करती है। तभी हम लोग नागाफुमी के बचपन का फ्लैशबैक सीन देखती है, जहाँ पे वही अपने दोस्त के साथ बहुत ही ज़्यादा गेम्स खेलता था। इसका अगला पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे।